कच्छ के रण से लगभग 800 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, खीचन। इस राज्य का एक हिस्सा ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट से ढका है। यहां पर बहुत कम बारिश होती है, खेती के लायक जमीन बहुत कम है। हालांकि यहां पर अनाज बहुत कीमती चीज है, खीचन के एक निवासी उसकी दर्जनों बोरियां जमीन पर बिखेर रहे हैं। भंवर रामजी ने ये काम सितंबर और मार्च के बीच पिछले 10 सालों से हर रोज किया है। ये सारी तैयारी एक खास मेहमान के स्वागत के लिए है, और ये है वो मेहमान, द डेमोइजल क्रेन। कहते हैं कि इन्हें ये नाम बदनाम फ्रेंच क्वीन मरी एंटोइनेट ने 18वीं सदी में दिया था। उनका मानना था कि ये खूबसूरत जवान महिलाओं जैसी दिखती हैं। सितंबर आते ही खीचन के ऊपर का आसमान ऐसे हजारों भूखे पक्षियों से ढक जाता है। तादाद करीब 35,000 जाती है, 40,000 चले जाती है, ज्यादा सर्दी ज्यादा आती है, सर्दी कम है तो कम आ जाती है। क्रेन्स भारत में मौसमी मेहमान होते हैं। इनके गर्मी के महीने मंगोलिया में गुजरते हैं। जब तापमान गिरता है तो ये एक प्राचीन प्रवासी मार्ग से होते हुए एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के ऊपर से उड़ते हुए दक्षिण की तरफ जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते का होता है ये सफर। लगभग 70 सालों से डेमोइजल क्रेन्स की मंजिल बन चुका है खीचन। भंवर रामजी जैसे गांव वाले इस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समझते हैं कि सर्दी के महीनों में इन पक्षियों को दाना खिलाने की अहमियत क्या है।